हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट विद एम के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर कल हाई कोर्ट में आयु सीमा को लेकर सुनवाई हुई थी, तो सरकार ने उससे संबंधित क्या जवाब दिया था, उसका क्या निर्णय निकल कर आया था, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में घंटी का बटन है उसको दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो डालो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कल ये न्यूज़ निकल कर आई थी, जो हाई कोर्ट है इन्होंने सरकार से जवाब तलब किया गया था कि आयु सीमा में आपने किस प्रकार से छूट दी है, उसका स्पष्टीकरण किया जाए। तो उससे संबंधित आज एक नई जानकारी निकल कर आई है, वो आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देख सकते हो यहां पर कांस्टेबल भर्ती, सरकार ने कहा न्यूनतम आयु सीमा में छूट नहीं, अधिकतम में दे चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी दोस्तों, SCS होम ने हाईकोर्ट में दिया स्पष्टीकरण। कांस्टेबल भर्ती 2019 में आयु सीमा में छूट का आदेश स्पष्ट होने के मामले में SCS होम राजीव स्वरूप हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर सरकार की ओर से 17 जनवरी को जारी किया गया आदेश सही है। इस आदेश के तहत सरकार ने एक साल की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी है। इसके तहत 1 जनवरी 2021 तक 24 साल के हुए अभ्यर्थी को इस परीक्षा में शामिल होने की छूट दी है। पहले सरकार ने जनवरी 1997 से 2020 तक के अभ्यर्थी जो 18 से 23 साल के हो रहे हैं उन्हें योग्य माना था। जनवरी के आदेश में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 2021 किया गया था। इससे अभ्यर्थियों ने चुनौती दी और उनका कहना था कि सरकार को आयु सीमा में लाभ जनवरी 1997 की बजाय जनवरी 1996 से देना चाहिए था। तो दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि जिनकी आयु 23 साल से ऊपर हो चुकी है उनको यहाँ पर कोई छूट नहीं दी जा रही है, बल्कि सरकार कह रही है कि हमने एक साल की छूट दे दी है। तो किन विद्यार्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, जो विद्यार्थी 17 वर्ष के हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हो रही थी, उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, न कि दोस्तों जिनकी आयु 23 साल से एक दिन भी ऊपर हुई है उनके लिए कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि हमने यहाँ पर छूट दे दी है, लेकिन दोस्तों कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिली है। जिनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है, जो 24 साल के कैंडिडेट हो गए हैं, उनको कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। दोस्तों, छूट इस प्रकार से दी जानी चाहिए थी कि सभी को आयु सीमा में एक साल की इनको छूट देनी चाहिए थी, कि जो विद्यार्थी 24 साल का हो चुका है वो भी जनरल से अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार इनको छूट देनी चाहिए थी, तब जाके ये मामला सही होता दोस्तों। अभी सरकार का जो ये फैसला है दोस्तों, ये भी हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट ने अभी फैसले को सुरक्षित रखा है। देखते हैं दोस्तों और नई जानकारी क्या निकल कर आती है इससे संबंधित। अभी तक फाइनल निर्णय नहीं किया, केवल स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है हाई कोर्ट में कि हमने इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन निकाल के ये छूट दी है दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है, कोई भी यहाँ पर छूट नहीं मिली है जिनकी आयु सीमा 23 साल से ऊपर है। केवल दोस्तों उनको दर्शाया गया है कि 2021 तक जिनकी 24 वर्ष हो रही है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले 2020 तक उनकी 23 थी, तो अब 24 हो रही है, तो कोई भी उसको यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नया निर्णय क्या था है। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में घंटी का बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले जो जानकारी आएगी वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।